इनको जाने दो यार पहले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और आपको थोड़ा तो आइडिया होगा है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो मैंने अमेजोन से कुछ 15 चीजें ऑर्डर की है जो मुझे लगता है कि आपकी रूटीन लाइफ के लिए और ट्रैवल पर्पस के लिए जरूरी है। आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी अगर आपके पास ये चीजें होगी तो। सो या बिफोर एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मुझे चीजें ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मुझे कचरा निकालना भी बहुत पसंद है। जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं कचरा निकालती हूँ, ये मेरी हॉबी है। रियली ये मेरी हॉबी, आपको हंसी आ रही होगी, बट मैं ऐसे फ्री बैठती हूँ ना तो मैं साफ सफाई करने लगती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी चीजें मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही पसंद है, इसी वजह से मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजर और स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको एज अ स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हो। दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइनली गुड प्रोडक्ट एंड वैल्यू फॉर मनी, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ड्रॉअर्स है। मैं ना अपनी चीजों के लिए थोड़ी पर्टिकुलर हूँ, मुझे कभी कभी कुछ चीजों के लिए ऐसा लगता है कि इसको धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। इस पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजर की इसकी ये ड्रॉअर्स के साथ आया है, तो दो ड्रॉअर्स है। ये पूरे रिमूवेबल है, इसको आप पूरा बाहर भी निकाल सकते हो और फिर ऐसे अंदर डाल सकते हो। इसके जो भी मेजरमेंट्स है वो मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ताकि आपको साइज का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ऐसे दो पार्टीशन है, यहाँ पे बीच में एक पार्टीशन है बड़ा सा और नीचे तीन पार्टीशन है। तो ऐसे स्टेप वाइज पार्टीशन दिए है। इसमें आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बट आई लव व्हाइट कलर और व्हाइट कलर ऐसे क्लासी लगता है। अब सॉरी एक मिनट यार, अरे यार, दिस इज वैल्यू फॉर मनी, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। लाइट वेट है, प्लास्टिक मटेरियल है पूरा। मैंने लिया था 349 रुपीज में, जो मुझे लगता है कि काफी अफोर्डेबल है। बेसिकली इसके अंदर आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वैल्यू फॉर मनी है, गो फॉर इट, गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मेरी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है ये हॉल की। सो बेसिकली दिस इज वॉच ऑर्गेनाइजर, 10 स्लॉट के साथ आया है। मैं पहले आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं हर बार भूल जाती हूँ, मैं प्रोडक्ट को ना पहले डिस्क्राइब करने लगती हूँ और फिर बाद में दिखाती हूँ। ये हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट इस वॉच ऑर्गेनाइजर। ये पूरा जो मटेरियल है वो लेदर का है, पीयू लेदर का मटेरियल है और यहाँ से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। देखो मैं दिख रही हूँ इसमें। मुझे स्पेशली ऐसा पसंद है कि जो भी मेरा कलेक्शन है ना, वॉच का हो, ज्वेलरी का हो, तो मुझे ऐसा पसंद है कि मेरा कलेक्शन मुझे खुद दिखना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, पार्टीशन के साथ दिए है, अंदर वेलवेट मटेरियल का है और कुशन के साथ आया है। कुशन निकाल दो तो इसके अंदर आप ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लॉक भी बहुत प्यारा है। सो आई लव दिस प्रोडक्ट। आई नो दिस इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव। मैंने पनिष्का करके एक ब्रांड है अमेजोन पे, उसी से लिया है। 5 स्लॉट या 8 स्लॉट वैसे वाले भी ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इससे सिमिलर जो भी प्रोडक्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगी। ये मैंने लिया था 879 रुपीज में एंड आई एम सो हैप्पी आफ्टर बाइंग दिस। मुझे कभी भी जो भी मैं ऑर्गेनाइज करने की चीजें होती है वो खरीदती हूँ ना, तो मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं होता है, बिकॉज मुझे पसंद है ये सब करना। आई एम डेफिनेटली रेकमेंडिंग दिस पीस, गो फॉर इट, बहुत ही प्यारा है। तो हमारी थर्ड प्रोडक्ट है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, जो कि प्लास्टिक मटेरियल में है और ट्रांसपेरेंट है। मैंने दो बॉक्सेस लिए थे कॉम्बो में, लेट मी शो यू फर्स्ट। सो दिस इज आवर थर्ड प्रोडक्ट। ये दो प्रोडक्ट साथ में है, मैंने 439 रुपीज में लिया है। इसमें जो भी ये ग्रिड दिख रही है ना, इसको आप अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ ऐसे एडजस्टेबल पार्टीशन आए थे जिसको आप बड़ा छोटा बॉक्स बना सकते हो, मतलब जो भी पार्टीशन इसको आप छोटा भी रख सकते हो और बड़ा भी रख सकते हो। अपनी जो भी इयररिंग्स की साइज होती है उस हिसाब से इसको आप कर सकते हो। प्रेस वाला जो लॉक होता है ना, वैसे टाइप का है। इयररिंग्स और नेकलेसेस ऑलरेडी मैंने इसमें रख दिए है। सो यस, दिस इज ऑल्सो नाइस प्रोडक्ट। मैंने 439 रुपीज में लिया है, दो बॉक्स लिए है एंड मेन पार्ट की ये ट्रांसपेरेंट है। सो यस, दिस इज ऑल्सो मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर एवरी गर्ल। प्लास्टिक मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है, ऐसा कोई सस्ता वाला मटेरियल नहीं है। ईच 36 ग्रिड मिल जाएगी, तो 36 × 2 बहुत सारे पार्टीशन आपके पास हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे जैसे हो जिनके पास ह्यूज कलेक्शन है ज्वेलरी का, सो आपकी लाइफ ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। ओके, सो हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट है मल्टीपर्पज ट्रे, लेट मी शो यू फर्स्ट। मैं आपको बता दूं कि ये ना ऐसे लोकल ब्रांड्स नहीं होती है जो ऐसे घर पे ही बनाती है, मुझे ये ना वो वाली ब्रांड लग रही है। मस्ट से शी इज डूइंग ग्रेट जॉब, बिकॉज सी बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट ट्रे है। सिर्फ इसमें एक चीज की कमी है कि यहाँ पे मुझे लगा था कि स्मूथ सरफेस होगी,
स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी रफ है। देखने में ऐसा ही लग रहा है कि स्मूथ है, बट जब हम इसको टच करते हैं तो थोड़ी सी रफ सरफेस है, अदरवाइज बहुत ही अच्छी है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, मग्स जो मटेरियल के बनते हैं ना वैसे वाला है कुछ। मैं कितनी लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, एनीवे आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये मैंने 369 रुपीज में लिया है, लिटल बिट इतू सा ये एक्सपेंसिव है, बिकॉज आई नो कि ये आपको 200-250 रुपीज में मिल जाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट पीस है ना, इसको आप ट्रैवल के लिए भी यूज कर सकते हो, और अपनी डे टू डे जो भी कॉस्मेटिक और आपकी टॉयलेटरीज जो भी है इसमें आप रख सकते हो। ऑर्गेनाइजर बॉक्स को यूज करते करते आई थिंक 1-2 साल तो हो ही गए हैं, एंड आई जेन्युइनली से कि बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बहुत 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 ज्यादा सामान फिट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ना इसकी जो स्पेस है ना वो पूरी ऐसे एक्सपांड होती है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो शो कर रही हूँ कि मैं कितना अंदर ठूस ठूस के ले जाती हूँ। यहाँ पे ये दो पार्टीशन है, ऐसे रिमूवेबल है, यहाँ पे दो पार्टीशन है, तो इसका जो भी मस्करा आईलाइनर काजल जो भी है वो इसमें आप रख सकते हो, तो नीचे भी बहुत सारी स्पेस मिल जाएगी। तो ये मैंने लिया था 250 रुपीज के अराउंड, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि इसको परचेस किए हुए 1 साल तो हो गया है, बट इससे सिमिलर जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डाल रही हूँ। जो प्रोडक्ट है वो सच में बहुत एक्सपेंसिव है, मैंने लिया था, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा है। स्टेक्स मिनी प्रिंटर, फिजिकली फोटो को देखने की जो फीलिंग होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। 8000 रुपीज का आया था, और उसके साथ इसकी जो फिल्म है जिसमें आप प्रिंटर में डालनी होती है, ये प्रिंट है, ये अलग से 1400 की आई थी, तो ये पूरा मुझे 9000 में पड़ा था। ये 8000 का है और ये 1400 का, तो पूरा मुझे ऐसे 9000 समथिंग इसके ऊपर का पड़ा था। प्रिंट थोड़ी सी डार्क निकलती है इसमें, बट मुझे जो है ना कि फिजिकली फोटो को फील करना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चार्जर भी साथ में आया है, तो इसको लेने के बाद ना आपको 3-4 घंटे पहले तो चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये स्टार्ट होगा। पूरी उसकी जो भी गाइडिंग बुक है वो साथ में आई है, इसमें आप पढ़ के सब कुछ कर सकते हो। पीछे यहाँ पे जो भी उसकी फिल्म जो है ना वो लगाने का पीछे दिया है। एक जो ये पूरा होता है ना, एक के अंदर 10 फिल्म आती है, ऐसी पूरी एक बॉक्स में 4 आ जाएगी, तो आपको 40 शीट्स मिल जाएगी। ओ शिट, ये मेरा वेस्ट हो गया। ये सदमे से मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, मैं आ रही हूँ। ओके चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सदमे से बाहर निकल चुकी हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी फोटो मेरी प्रिंट करके निकाली है। सो एनीवे जो हो गया वो हो गया, क्योंकि मेरी बहुत ही एक्सपेंसिव एक शीट खराब हो गई तो मुझे थोड़ा सा ऐसे झटका लगा, बट इट्स ओके। वो जो ये शीट निकली ना, इसके ऊपर मैं आज के वीडियो की डेट डाल दूंगी। मैंने ये अभी अभी प्रिंट निकाली, और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिंटर है उसके लिए आपको इंस्टेक्स मिनी करके एक ऐप है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी आपके फोन में, और ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ये प्रिंटर को, तब जाके ये निकलेगी प्रिंट। इसको आप प्रेस करोगे ना तो ग्रीन लाइट होगी, और फिर और एक बार प्रेस करोगे फिर प्रिंट निकलेगी। मेरी अच्छी सी फोटो मैंने प्रिंट करके निकाली है। धीरे धीरे जैसे ही हवा के साथ एक्सपोज होगी वैसे थोड़ी सी डार्क होती जाएगी। मैं अभी जो कश्मीर कैंप करके आई थी ना उसका ये फोटो है, कितनी अच्छी है ना, कितनी क्यूट लग रही है। देखा, मैं यही समझाने जा रही थी कि आप फोन में फोटोज देखते हो ना वो एक अलग फीलिंग होती है, और फिजिकली ऐसे हाथ में पकड़ के फोटोज देखते हो ना वो वाली फीलिंग होती है, वो वाली फीलिंग अलग होती है। मैं ऑलरेडी इतनी एक्साइटेड फील कर रही हूँ। सो यस मैं यही समझाना चाह रही थी। तो आई लव दिस ऑल छोटी छोटी थिंग्स, मुझे बहुत ही पसंद है, और मैं तभी ये सजेस्ट करूंगी जब आप खुद से अर्न कर रहे हो और आप इतनी एक्सपेंसिव चीज एफोर्ड कर सकते हो तो ही लेना, अदरवाइज वैसे कुछ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो आपकी रूटीन लाइफ में अगर आप ऐड करोगे ना आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, जेन्युइनली आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। आप अगर सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, जर्नलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, देन दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट फॉर यू। लेट मी शो यू। फर्स्ट मैं अमेजोन पे ऐसे ही स्टेशनरी सब कुछ देख रही थी ना, तो मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी, 5 मिनट जर्नल। मुझे नहीं पता था 5 मिनट जर्नल क्या होता है। आपको डायरी लिखने का शौक है, देन दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू गाइज। फर्स्ट कॉलम है आई एम ग्रेटफुल फॉर, व्हाट वुड मेक टूडे ग्रेट, डेली अफर्मेशन, हाईलाइट्स ऑफ द डे, व्हाट डिड आई लर्न टूडे। सर इसमें आपका पूरा दिन का समरअप हो जाएगा। ये कितने पेजेस है वो तो मुझे नहीं पता है, A5 साइज की डायरी है, और साथ में फ्री स्टिकर्स आए हैं, और पीछे ऐसे पॉकेट दिया हुआ है, ये है स्टिकर्स। तो इसका लुक जो है मुझे पसंद आया, और ये जो स्पाइरल है बहुत ही मस्त है,
गो फॉर इट। आप अगर जर्नलिंग कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको स्टार्ट करना है, तो आप ऐसे छोटी छोटी जर्नल के साथ स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि जर्नलिंग करते कैसे है। तो ये हार्ड कवर के साथ डायरी है, दिस इज गुड फॉर एवरीवन, आप ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट है वो है लैबस्टर स्पाइरल चार्जर केबल प्रोटेक्टर्स। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितनों को पता है, बट मुझे रिसेंटली पता चला कि ऐसे कोई प्रोडक्ट भी आती है जिससे आप अपने चार्जर जो होते हैं उसके केबल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मेरी बहन ने ऑर्डर किया था और उसका देख के ही ये मैंने ऑर्डर किया है। तो इसको आप 89 रुपीज में, सॉरी 59 रुपीज में आपको 12 पीस मिल जाएंगे। आपको ये दो ही लेना पड़ेगा, एक नहीं आता है, दो ही पीस आपको लेने पड़ेंगे। टोटल आपको 12 पीसेस मिलेंगे 59 रुपीज में। ये बहुत ही सिंपल सी प्रोडक्ट थी बट मुझे लगा कि यूजफुल है, मुझे नहीं पता था, तो मेरे जैसे कोई है जिनको नहीं पता है तो उनके लिए यूजफुल हो जाएगा ये। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैं क्या बताऊँ, ये मैंने ले तो लिया बट जिस हिसाब से वो निकला ना, मेरी मम्मी ने मेरा इतना कचरा किया था ना, मुझे बोला कि ये तो बेचने जाएगी ना, 2 रुपए भी नहीं आएंगे, ऐसा मुझे मुंह पे बोल दिया। ये सिंपल सी ट्रांसपेरेंट बॉटल है जो मैंने एज अ डेकोरेशन पर्पज से ऑर्डर की थी। बेसिकली ये बॉटल मुझे मेरा ड्रेसिंग टेबल जो मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ और जो सजाने वाली हूँ उसके लिए चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। 200 रुपीज में है। मुझे लगा था कि ये ग्लास की आएगी या फिर ऐसा कोई मटेरियल होगा, बट मटेरियल भी थोड़ा सा फालतू सा है और ग्लास की नहीं आई है, कांच की बॉटल नहीं आई है, ग्लास मतलब कांच की बॉटल नहीं आई है। मैंने डिस्क्रिप्शन तो पढ़ा नहीं था, मैं डिस्क्रिप्शन तो पढ़ती ही नहीं हूँ, जो दिखता है धाड़ 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 ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी सी पुअर क्वालिटी है, इतना भी किसी का क्या कचरा करना, इतनी भी खराब नहीं है, थोड़ी सी अच्छी है, डेकोरेशन पर्पज से चल जाएगी। तो इसमें आप कॉटन बॉल्स या फिर ईयरबड्स वो सब रख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है और इसकी ना वो सारी डेट्स भी खत्म हो चुकी है, आई होप कि अच्छा निकले। तो ये वाटर बॉटल की अच्छी बात ये है, ऐसे टाइमिंग का मार्किंग दिया हुआ है तो आप टाइम के हिसाब से, हाँ मुझे लगा कि टाइम का तो दिया नहीं है, मैं सोच रही हूँ ये देखो यहाँ पे किसी के टाइम का तो दिया नहीं, तो मैंने बोला कि शिट, फिर से लोचा हो गया कि मैंने क्या देखा था, कैसे ऑर्डर किया था और क्या निकला, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। ओके सो ये मुझे ये अट्रैक्टिव लगा था कि इसको अपना 1 PM 12 PM 11 EM ऐसे टाइमिंग के हिसाब से आप पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने में बहुत ही आलसी हूँ, इसी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है। इसका लॉक कुछ ऐसा है और ऐसे खुला, मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था कि फिर से पंगा हो जाएगा, नहीं तो ये देखो पानी नहीं भरा है मैंने अभी अंदर। ये भी है, स्ट्रॉ भी है। ओके इसमें से स्ट्रैप भी निकला, ये स्ट्रैप भी निकला है, ये क्या है। तो ये मैंने लिया है 349 रुपीज में, मोटिवेशनल मार्कर के साथ है, 1 लीटर की बॉटल है। मटेरियल बाहर से बहुत ही सॉफ्ट है, वैसे प्लास्टिक का ही है बट अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। लीक प्रूफ है कि नहीं उसका डेमो मुझे देखना पड़ेगा और नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि ये लीक प्रूफ है कि नहीं। मैंने अभी मेरी डायरी में चेक किया है कि हमारी सिर्फ अभी 5 प्रोडक्ट्स ही बाकी है और ये जो 5 प्रोडक्ट्स है ना, आई मस्ट से कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, स्पेशली गर्ल्स, आपको ये ट्रैवल के टाइम पे ये प्रोडक्ट जरूर लगेगी, आपकी वॉशरूम जाने की जो भी दिक्कत होती है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी पहली प्रोडक्ट है पी बड़ी। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों में से कितनों को पता है बट मुझे रिसेंटली ही पता चला है कि ऐसे कोई प्रोडक्ट आती है जिससे आप ऐसे खड़े खड़े सुसु कर सकते हो। आपको हर जगह पे क्लीन बाथरूम्स नहीं मिलते हैं, इंडियन टॉयलेट होता है ना तो वो चल जाता है, बट वो जो कमोड वाला टॉयलेट कहीं पे होता है ना, तो लड़कियों को स्पेशली बहुत दिक्कत आती है और यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो लड़कियों आपके पास ये प्रोडक्ट होनी ही चाहिए, इसमें लिखा भी है। तो ये है पी बड़ी, यहाँ पे डेमो पूरा लिखा हुआ है, ऐसा आएगा, इसको आपको ऐसे ओपन करना है और आपके दोनों पैरों के बीच में डालना है इसको और ऐसे खड़े खड़े ही आपको सुसु कर लेना है। मैंने 149 रुपीज में लिया था, आपको ऐसे 10 फनेल्स मिल जाएंगी। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, डेफिनेटली गो फॉर इट गर्ल्स, आपको पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ही रिलीफ मिल जाएगी यूज करने से। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है इससे रिलेटेड ही है, कुछ लड़कियां होती है जिनको ऐसे खड़े खड़े सुसु करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतना कंफर्टेबल नहीं लगता। आई एम श्योर ये तो सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। इसमें 20 शीट्स आती है,
पूरी पहले शीट बिछा दो और फिर बैठ के अच्छे से शांति से टॉयलेट कर लो या सुसू कर लो और फिर इसको डिस्कार्ड कर दो। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी यूजफुल प्रोडक्ट है फॉर योर ट्रैवल, स्पेशली फॉर गर्ल्स, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो में ऐड किया है। नेक्स्ट हमारे प्रोडक्ट है, ये है पेपर सॉफ्ट। इसमें दो पैक्स आएंगे और एक पैक के अंदर ना आपको 20 शीट्स मिल जाएंगी, टोटल मिला के 40 शीट्स मिलेंगी आपको। तो ऐसे इसका ओपन करने का ऐसा है, लिक्विड जो सॉफ्ट होता है वो लीकेज होने के चांसेस होते हैं हमारे जो कैरी ऑन बैग होते हैं, और इतना लिक्विड अलाउड भी नहीं होता है, तो ये आप अपने कैरी ऑन बैग में ऐड कर सकते हो, अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है हैंड सैनिटाइजर। ये है, ये स्प्रे तो अच्छे से करता है बट जो स्मेल है ना प्योर अल्कोहल जैसी स्मेल है और बहुत ही रफ और ड्राई है, तो ये मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगी। जैसे इवेपोरेट तो हो रहा है बट जो स्मेल है ना बहुत ही बकवास है, उल्टी आ रही है, नहीं अच्छा है ये। 200 रुपीज में आपको ये 3 लेने ही पड़ेंगे। एक मैं हाथ धो के आती हूँ, ये सैनिटाइजर ने पूरा ना मूड बिगाड़ दिया है। ओके, आई एम बैक विथ लास्ट प्रोडक्ट। लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज नींद रिलैक्सिंग पिलो स्प्रे। मैं आपको बता दूं कि ये ओके है, मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट हाँ ये से थोड़ी सी वाइब तो कामनेस वाली आती है। जब मैंने पहली बार स्प्रे किया था ना तब जेन्युइनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट आज मुझे अच्छा लग रहा है और सूदिंग वाली स्मेल भी है इसकी। पर ट्रैवल के टाइम पे कुछ कुछ होटल्स में थोड़ी सी बैड ऑर्डर आती है, कुछ कुछ जगह पे पिलो में से थोड़ी सी स्मेल आती है, तो इसको आप स्प्रे करके सो जाओ तो आपको बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी और आप अच्छे से सो जाओगे। ये मैंने लिया है 399 रुपीज में, ये मुझे थोड़ा सा यूजफुल प्रोडक्ट लगा। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। लेट मी नो कि आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और कोई भी प्रोडक्ट आपको यूजफुल लगे हो देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड जरूर ऑर्डर करना, यूज करना और रिव्यू करना कि आपको कैसा लगा। सो या वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। वेट अ मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो ये वीडियो से रिलेटेड है। सी दिस फोटो, पूरा अच्छे से स्टेन हो गया है अभी, तो थोड़ा टाइम जाने के बाद इसकी प्रिंट ना डार्क हो जाती है थोड़ी, सो गो फॉर इट।